योगी सरकार में भी गौ तस्कर अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। आए दिन गौ तस्करी व गौ मांस के मामले जनपद में गौ रक्षक दल के कार्यकर्ताओं की सक्रियता के चलते सामने आते रहते हैं, लेकिन गौ तस्करी व गौ मांस पर शासन प्रशासन द्वारा पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। ऐसा ही एक मामला गुरुवार की सुबह थाना रिफाइनरी क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिला, जहां बजरंग दल कार्यकर्ता एवं गौ रक्षक सेवकों की मदद से आगरा की तरफ से आ रही इको वैन गाड़ी को आगरा दिल्ली बाईपास पर पकड़ा। गौ भक्तों ने बताया कि बीती रात्रि में इको गाड़ी से गौ मांस ले जाने की सूचना गौ भक्तों को मिल रही थी, जिसकी तलाश में सभी गौ भक्त रात्रि 12 बजे से ही गाड़ी को पकड़ने के लिए गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। काफी इंतजार के बाद गौ भक्तों को गाड़ी सुबह 6 बजे आगरा दिल्ली बाईपास से गुजरती हुई मिली, जिसे गौ रक्षकों ने मौके पर पकड़कर थाना रिफाइनरी पुलिस को सौंप दिया। मौके पर गाड़ी से एक बोरा मांस के साथ एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा व्यक्ति मौके से फरार होने में सफल रहा। वहीं थाना अध्यक्ष रिफाइनरी कुलवीर सिंह ने कहा कि पकड़ी गई गाड़ी से मांस को परीक्षण के लिए भेजा गया है, आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौ मांस की गाड़ी को पकड़ने वाली टीम में बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान एवं बजरंग दल सहित विश्व हिंदू परिषद के लोगों में पुनीत चतुर्वेदी, विवेक, हरिओम गुर्जर, हरिवंश, बबलू, गौरव, पवन, हेमंत, नीरज शर्मा, समीर शर्मा, सहदेव लाल, मोनू, नरेश, हरि सिंह, मनोज कोहली, दर्शन सिंह, कृष्णा, गौरव माधव आदि लोग मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस विषय पर जानकारी देते हुए गौ रक्षकों ने बताया, मेरा नाम नीरज कुमार शर्मा है, मैं श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान से राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। बड़े भाई विभाग संयोजक विवेक चौधरी जी के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई थी उनके मुखबिर के द्वारा कि एक गाड़ी गौ मांस लेकर के आगरा से मथुरा आ रही है सप्लाई करने के लिए। सूचना को सही मान करके मेरी टाउनशिप टीम से धारा गुजर, हरिओम गुजर, सहदेव ठाकुर, हरवंश पहलवान, बबलू ठाकुर, लाला पंडित और गोकुल से भी मेरे समस्त गौ सेवक समीर शर्मा जी भी हमारे यहाँ मौजूद हुए और उन्होंने गाड़ी को घेराबंदी करके रोका। और विवेक चौधरी हमारे बड़े भाई जी, उन्होंने कहा घेराबंदी करके गाड़ी को रोका। दो तस्कर थे इसमें, एक तस्कर मौके का फ़ायदा उठा करके भाग गया है और एक तस्कर को पकड़ के पुलिस के सपुर्द कर दिया गया है। अपने मथुरा शहर के अंदर में श्री बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान, बजरंग दल और गौ रक्षा विभाग जो संयुक्त रूप से रात्रि में नाके का काम करता है। नाका क्यों लगाया जाता है कि गौ तस्करी व मांस की जो तस्करी हमारे मथुरा शहर में होती है, तो उसी के मद्देनज़र आज डेली रूटीन के तौर पर करीब सुबह 3:30 से 4 बजे के करीब हमारे एक गुप्तचर के द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि आगरा की तरफ से एक इको गाड़ी जो कि परिचालन करते हुए आवेद नाम का लड़का है और गाड़ी पर प्रेस लिखा हुआ है, तो परिचालन करते हुए मथुरा के प्रतिबंधित क्षेत्र डिग गेट में इस भारी मात्रा में मांस को लाया जा रहा है। तो जब इसकी हमने घेराबंदी की गई, घेराबंदी करने के दौरान तो श्री बांके बिहारी टीम के द्वारा इस नंबर को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करने के बाद तुरंत इस गाड़ी को रोका गया। रोकने पे जब इसकी हमने जांच की तो पता चला अंदर करीब 5 कट्टे माल है और अंदाजित अगर लगभग अगर हम वजन निकाला जाए तो करीब 450 से 500 किलो मांस है और मांस का जो प्रकार है वो लाल भी हो, हद से ज़्यादा सफ़ेद भी है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा ये दिखाया जा रहा है कि इसमें गौ मांस की मात्रा सबसे ज़्यादा है। जब ये पुष्टि हो गई तो इसके बाद हमने थाना रिफाइनरी जो पुलिस प्रशासन है मथुरा का उसको सूचित किया गया। सूचित करने के बाद पुलिस की कस्टडी में इस इको गाड़ी को यहाँ लाया गया, साथ में एक गौ तस्कर भी पकड़ा गया है जो मंडी चौराया राधिका विहार का रहने वाला है और साथ में एक गौ तस्कर था वो मुठभेड़ के दौरान फरार हो गया है। जब घेराबंदी की गई तो उस दौरान उसने जगह दिखे वो निकल गए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग आए हैं और अभी हमारी रिफाइनरी CEO मैम से बात हुई है कि इस तरह की जो घटनाएँ इस सर्किल में हो रही हैं तो इन पर मुकदमा तुरंत ही पंजीकृत करके आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। जिस गाड़ी की 1 बजे से सूचना आ रही थी, गोमांस की गाड़ी है, सुबह 6 बजे इसको रिफाइनरी थाने के अंतर्गत पकड़ी गई है। इसमें 500 किलो के आसपास गोमांस पकड़ा गया है, 5 कट्टे हैं, एक कट्टे में कम से कम 100 किलो के आसपास है। आपको कैसे सूचना मिली इसकी? हमको इसकी 1 बजे से सूचना मिली थी मुखबर के द्वारा, उसके बाद हम इस पर लगे हुए थे लेकिन सुबह 6 बजे हमारे हाथ आई है ये गाड़ी और इस पर प्रेस और लिख रहा है। व्हाइट सफेद दिख रहा है, बिल्कुल व्हाइट सूचना थी और गौ मांस की सूचना थी हमारे पास में कि आगरा के पास से गौ मांस भर के लोड करके लेके आ रहे हैं और ये कुख्यात गौ तस्कर है चांद धौलपुरिया और एक चुनन, उनके यहाँ ये माल सप्लाई हो रहा था मथुरा में। हाँ ड्राइवर पकड़ा गया और एक जना भाग गया था। हाँ दो जने थे, एक जना भाग गया। आपके द्वारा बताया गया था इससे पहले जो एनकाउंटर था क्या कहेंगे? देख लीजिए आपके सामने है, हमने जहाँ गाड़ी पकड़ी है वहीं सो की है और वहीं तस्कर पकड़ा है। हमारा सिस्टम ये नहीं है कि हम कहीं गाड़ी पकड़े और कहीं सो करें, अपना ये सिस्टम नहीं, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद से विभाग प्रमुख हूँ, पुनीत चतुर्वेदी मेरा नाम है। पहले भी हमने गाड़ी पकड़ी है, खाल की भी पकड़ी थी, मांस की भी पकड़ी थी, इसी थाने में खड़ी की थी, ऊँट की भी थी उसमें, ऊँट भी एक बार तो हमने ऊँट भी पकड़े थे।
वो भी इस थाने में की थी FIR हमारे नाम से ही। उसको हम चाहते तो उसको भी अब देखो, कुछ लोग ऐसे हैं कि कल भी हमने बताया था अभी न्यूज़ के माध्यम से कि जो अपना उनने रोजगार बना रखा है और गाड़ी पकड़ते हैं, भैंस की भी पकड़ लेते हैं, फिर कहते हैं कि हमको गौ माता की सेवा के लिए इनसे पैसा दिलवा दीजिए। अब कौन सी संस्था है उनकी, कौन सा गौशाला है उनकी, हमको तो कुछ पता नहीं है। हम तो रात भर भाई नाके पर लगते हैं, कोई नाके पर तो दिखता नहीं है, लेकिन जो एक गड़बड़ करते हैं कुछ तथाकथित गौरक्षक हैं, वो गड़बड़ करते हैं। हम यही चाहते हैं कि अभी तक तो कोई कार्रवाई देखो हुई नहीं है, हमने तहरीर दे दी है, ना कोई डॉक्टर आया है सैंपल के लिए। पहले तो सैंपल के लिए डॉक्टर आना चाहिए था, फिर इसका वेट होना चाहिए था, उसके बाद FIR होगी। पुलिस की कार्यशैली तो हमारे लिए तो अच्छी है, लेकिन रिफाइनरी थाने में थोड़ी सी ढील रहती है, हर बार हम देखते हैं। पहले भी हमने मास की गाड़ी पकड़ी थी तो उसमें भी बहुत ढील हुई थी। काशीराम में दो बार पकड़ी थी हमने, कोई नहीं आया। हर जगह की पुलिस सपोर्ट करती है, लेकिन एक रिफाइनरी थाना ऐसा है थोड़ा सा ढीला चलता है।